लिखवाने को टैटू थोड़े ना करा रहे हैं, इतना डर रहा है। आना भाई, सिर्फ नाम लिखवाना है, बैठना। हाय मैया, ये क्या? हमने तो सोचा था आर्यन बेटा के शादी में घी की नदियां बहेंगी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ रिफाइन में पक रहा है भाई। ये कोई डिजाइन में डिजाइन है? ऐसे सस्ते सस्ते डिजाइन तो हमने सालों से देखा नहीं। अब ठीक ही है आंटी ब्लू, वैसे भी आजकल ट्रेंड चल रहा है, लोग पुराने एक्सपीरियंस लेने के लिए कहीं गांव में जाके रह रही हैं उसी #village life। तो मैं सोच रही हूँ कि हम भी ये ट्रेंड फॉलो कर ही लेते हैं #middleclassshirt। एक्सक्यूज मी मेहंदी आंटी, मेरे हाथों में #ABD लिखना है, अंडरस्टूड? ABD, पेरिस बेबी डॉल। हाँ, मेरा मन कर रहा है कि इन दोनों के मुंह में मेहंदी लगा दो। मिशेल किंदी और उसकी फैमिली की इंसल्ट करना बंद तो करेंगे। तो गुस्सा मत कर अरबी, तुझे तो पता है ना ये जुबान के खराब है मगर दिल की नहीं है। आप इन्हें प्लीज बोलने दे, तू चुप रहे। जानिया ओ दिल जानिया, इश्क का कसूर दिल की मनमानिया। जानिया ओ दिल जानिया, इश्क का कसूर दिल की मनमानिया। नजर ना लगे, मुझे तो ये पहले से ही पता था कि मेरी ये खट्टी मीठी इमली सो ब्यूटीफुल है, पर दिन ब दिन और खूबसूरत कैसे होती जा रही है। माता रानी से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि दोनों का प्रेम सलामत रहे। हमारी गुड़िया के हाथ पर ऐसन मेहंदी रचाई है कि वो मेहंदी का रंग आर्यन बाबू के प्यार से भी गहरा चढ़ जाए। वो कहाँ है ना? हम मिट्टी के बर्तन बनावत रहे, इमली पैदा हुई टोके खाते सपने में उनकी मिट्टी के बनाए, मिट्टी की तख्ती, मिट्टी की कलम, मिट्टी की गुड़िया और मिट्टी का गुट्टा। हम तो एक ब्याह के भी सपने सजाए रहे, पर भी जैसे जॉन हुआ उसके बाद भी हमें मिया का सिंदूर और मंगल सूत्र का मोल समझाए, पर एक शादी ब्याह के विधि की रस्में इस सब के मायने समझाए का मौका ही नहीं मिला। हम तो हमेशा सोच रहे हैं इमलिया कि तोरी शादी में हम बेटी खोए का दुख नहीं, बेटा पाए की खुशी मनाई है, इके ब्याह के हर रस्म में दिल खोल के नाचिए। कब
वो ऐसा मौका ही नहीं मिला। हम सबके कारण हम कई मौका मिला है, हमका अपनी गुड़िया का ये बताए का मौका मिला है कि ये रस्में दूल्हा दुल्हन को और पास ले आती है। हम कई बताए का मौका मिला है कि हम बहुत खुश थे गुड़िया आज। आज तो का तोरी पसंद का सच्चा सीधा साथी मिला है। अब तोरी जीवन में कोनो भी चीज तोरे मर्जी के खिलाफ नहीं हुई है गुड़िया। मैं आदित्य कुमार त्रिपाठी को हर इल्जाम हर जुर्म से आजाद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। कुछ हमारी मर्जी से नहीं होता है अम्मा, लेकिन हम आपन वजह से तुम्हार दिल कबो नहीं दुखाएंगे। हम तो कबो कुछ नहीं बताइए अम्मा। ना मैं सीधा हूँ ना सच्चा, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपकी बेटी की पसंद भी नहीं हूँ। शी हेट्स मी। मिट्टी जी, बिल्कुल मत रोइए। ये जो हमारे बच्चे हैं ना, ये रीति रिवाजों को रस्मों को खेल समझते हैं, तभी तो कोर्ट मैरिज करके चले आए। पर हम बताएंगे ना इन्हें सगाई से 7 फेरों तक का सफर कितना जरूरी होता है। सुनिए, मेरे अरु के हाथों में भी शगुन की मेहंदी लगा दीजिए। एक मिनट, ये क्या बात हुई? जब झगड़ा करना होता है तो दोनों कहीं भी शुरू हो जाते हो, किसी के भी सामने। अब जब प्यार के पल आए तो ऐसे दूर दूर बैठे हो। चलो पास होके बैठो, पास बैठो। लेकिन बस सर, और देखो एक दूसरे को ये जाने दुश्मन वाला लुक देना बंद करो, फोटो अच्छी आनी चाहिए। चलो ठीक से बैठो, ठीक से बस बैठो। ओफो अर्पिता, नहीं मानने वाले दोनों ऐसे, जिद्दी है जिद्दी, लेकिन हम भी किससे कम नहीं है। एक आइडिया है मेरे पास। खड़े हो? What? खड़े हो? वेरी गुड। सुंदर हेल्प प्लीज। जी हो गई प्लेसमेंट। चलो दोनों इस पर बैठो और मेहंदी लगवाओ। चलो हाँ चेयर पे। हाँ हम दोनों। हाँ इमली, मुझे तो लगता है तुझे आर्यन की गोद में ही बैठना पड़ेगा। फिर से सहरी बकेती? अरे आप लोग हमारी मेहंदी की रस्म करते हैं, फिर नामकरण करते हैं। हम कौनों की गोद में नहीं बैठे हैं। दीदी मैं बैठ बैठ जा बेटे का। अब तो हम लोगन बैठ गए, तो आप लोगन भी जाइए अपन अपन मेहंदी पहनी और चीनी लगा लीजिए।